हेलो एवरीवन, दिस इज जैस्मिन रियात और स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस। आप कहीं दूसरा शो मिस तो नहीं कर रहे जिसका नाम है एस्ट्रो वीजा, जो कि पंजाब प्लस रोज ही हाजिर होता है पंजाब प्लस पर आपके सॉल्यूशंस लेके प्रॉब्लम्स के, तो आपने वो भी मिस नहीं करना। उसका नाम है एस्ट्रो वीजा और टाइमिंग्स नीचे फ्लैश हो रहे हैं। लेकिन आज शो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये है एस्ट्रो प्लस, जिसमें आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में नॉलेज दिया जाता है। कोई भी काम को करने से पहले जान लेना चाहिए कि एक्चुअली वो कैसे वर्क करता है, क्या है उसके जो कारक पीछे काम करने वाली चीजें। तो आप जब साइंस पढ़ते थे, विज्ञान पढ़ते थे, तो सबसे पहले आपको सिखाया जाता था कि ओके ये चीज़ जो है ये ऐसे वर्कआउट करती है। इसी तरह से आपने ज्योग्राफी में बहुत पढ़ा होगा सन मून चंद्रमा सैटर्न शनि मंगल मार्स, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और इनका क्या आपकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट पड़ता है, आप इन्हीं के आस्पेक्ट से चलता है आपका दिल, आपका दिमाग और आपके इमोशंस, आपका प्रैक्टिकल होना, सब कुछ इनके इम्पैक्ट में ही आता है। आपकी ज़िंदगी पर इनका क्या प्रकोप रहता है या फिर क्या इनके बेनिफिट्स हैं आपको, इसका नाम है एस्ट्रो साइंस या आप एस्ट्रोलॉजी भी कह सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में अब चार श्रेणियाँ आती हैं बेसिकली। एक आता है एस्ट्रोलॉजी जिसमें आपकी कुंडली विभाजन किया जाता है, आपकी कुंडली देखी जाती है कि आप पास्ट पुराने जन्म से क्या लेके आए हैं। दूसरा आता है न्यूमरोलॉजी जिसको बोलते हैं अंक ज्योतिष, जिसमें अंकों के हिसाब से आपको बता दिया जाता है कि कौन सा काम कब होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी श्रेणियां हैं, आज इसी को क्लियर करेंगे कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है। जब आपको मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली आपको क्या दिखाना है, न्यूमरोलॉजी दिखानी है, एस्ट्रोलॉजी दिखानी है, टैरो कार्ड्स दिखाने हैं, पामिस्ट्री दिखानी है, तो आप सब मिक्स करने लगते हैं। इसकी वजह से आपको नॉलेज नहीं हो पाता और सामने वाला भी आपको वैसी चीज़ें बता नहीं पाता। तो आज इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो तंत्र विद्या है वो ज्योतिष विद्या से बिल्कुल अलग है। जब आप तंत्र विद्या को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट ओपिनियन में आती है, वो एक्चुअली उसमें आता है ब्लैक मैजिक। ज्योतिष में ब्लैक मैजिक का कोई भी लेना देना नहीं होता। ज्योतिष है कि आप पर रेज किसी के, यानी कि आप पे जो किरणें हैं अगर सूरज की पड़ रही हैं तो वो किस वक्त पे आप पे क्या इम्पैक्ट डाल रही हैं। इसी तरह से बाकी सारे प्लैनेट्स हैं उनकी सारे की आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पॉर्टेंस है, उसका नाम एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी को डिस्कस करते हैं। एस्ट्रोलॉजी काम करती है कि आपके पिछले जन्म से आप क्या कुंडली लेके आए हैं, यानी कि आपने क्या पिछले जन्म में मुकम्मल कर लिया जिसकी वजह से आपको कुछ गिफ्ट्स मिले हैं इस जन्म में, जिसे हम बोलते हैं कि इस घर में ये ग्रह शुभ है, और क्या आपने पिछले जन्म में नेगेटिव किया जिसको अभी आपने सुधारना है तो उसको बोलते हैं कि नीच घर में है, या फिर हम बोलते हैं कि इनको आप अच्छा कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में, बेटर थिंग। तो एस्ट्रोलॉजी काम आती है आपके हॉरोस्कोप को देखने के लिए। हॉरोस्कोप में क्या होता है, हॉरोस्कोप में आपका आज बताया जा सकता है, आपका कल बताया जा सकता है, आपका फ्यूचर बताया जा सकता है। क्योंकि अगर आप साइंस के अकॉर्डिंगली भी जाने तो एक टाइम लैप्स है जिसकी कंडीशन पे अगर आप दूसरे ग्रह पर जाकर वहां से अगर धरती को देखें तो शायद आपको जो टाइम है वो पिछला नजर आए, यानी कि अगर आपको किसी के घर में जाना था एक दिन पहले तो मे बी किसी प्लैनेट पे जाके आपको नजर आए कि आप ऑलरेडी उनके घर से जाके अपने घर में भी आ चुके हैं। तो ये इसीलिए प्लैनेट्स को यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है कि एक्चुअली आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सके उनकी हेल्प से। और इसी तरह से आपके पिछले जन्मों में आपने क्या किया, आपका पिछला जन्म, आपका आने वाला जन्म, ये सारी प्रेडिक्टेबिलिटी एस्ट्रोलॉजी करती है, जो कि बहुत सुपर स्ट्रांग है। लेकिन हर कोई इसको समझ नहीं सकता क्योंकि ये बहुत वास्ट है। सो आपको एक सरल उपाय दिए जाते हैं जिससे हम बोलते हैं कि आप पाठ पूजा करें। सबसे पहले आता है पाठ पूजा, जो आपको बताया जाता है आप धर्म कोई भी फॉलो करें आप पहुँचेंगे वहीं पर, अकाल पुरख पर, यानी कि वन गॉड जिसको बोलते हैं, तो आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। सेकेंडली आपको डोनेशन बताया जाता है जिससे आप लोगों का हेल्प करते हैं, आप लोगों का हेल्प करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो प्लैनेट्स हैं वो शुभ होते जाते हैं। और थर्ड वन क्या आता है, थर्ड वन आता है कि आपकी ज़िंदगी में जो लोग इस टाइम पर प्रेजेंट हैं आप अपना धर्म कितना निभा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका सूरज है वो आपके पिता को डोनेट करता है,
और आपका जो चंद्रमा है वो आपकी माँ को डिनोट करता है, जो आपका बुध है वो आपके भाई बंधुओं को डिनोट करता है, इवन आपका फ्रेंड सर्कल को भी, आपकी भुआ, आपकी मासी, ये सारे लोग। और आपका जो मार्स है, मंगल है, वो आपका ब्रदरहुड को डिनोट करता है। इसी तरह से बहुत सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं ये किसी ना किसी इंसान के रूप में आपकी ज़िंदगी में आते हैं। अगर उनके प्रति आपका धर्म पूरा है, कायम है, तो आपकी एस्ट्रोलॉजी सुधरने लगती है। ये तीन चीज़ें हैं जिससे आपकी एस्ट्रोलॉजी सुधर सकती है, तो इसमें कोई वहम नहीं है। ये एक्चुअली आपके जो जीवन है उसको सरल बना के और आपको बता के कि आपने क्या करना है जिससे आपका आने वाला टाइम सुधर जाए, उसका नाम एस्ट्रोलॉजी है। और ये तंत्र विद्या से बिल्कुल डिफरेंट है। सो आई होप आई मेक इट क्लियर। एक कथन है कि मेरी किस्मत कब चमकेगी, या कई बार लोग बोलते हैं कि जो किस्मत में है वो तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल, जब हम ये चीज़ सोचते हैं कि जो किस्मत में हम लिखा के आए हैं वो तो हमें मिल ही जाएगा, तो इसका नाम है न्यूमरोलॉजी। यानी कि आप कुछ भी ना करें तब आपका कोई काम कब होता है तो वो अंक ज्योतिष देखता है, जिसमें आपको बता दिया जाता है कि ये काम 5 साल बाद होगा, ये काम 6 साल बाद होगा, तो वो न्यूमरोलॉजी बताती है। तो अगर आपको इस तरह से देखना है तो आपको न्यूमरोलॉजी दिखानी है। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि आप जो किस्मत लेके आए हैं, जो आपको मिलने वाली है, उसको चमकाया कैसे जाए, रिफाइन किया कैसे जाए, तो वहाँ पे आपकी एस्ट्रोलॉजी काम आती है, जिसमें आपको वही तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो फॉलो करनी होती है, यानी पाठ पूजा, डोनेशन, चैरिटी और आपका धर्म। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो आपकी किस्मत चमकने लगती है। तो अगर आप अपनी किस्मत नहीं चमकाना चाहते तो आप न्यूमरोलॉजी फॉलो करें, जिसमें आपको सिर्फ ये जानना है कि कोई काम कब लिखा के आए हैं आपके, होगा भी या नहीं होगा। और अगर चमकाना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजी। आपको दोनों चीज़ें शायद क्लियर हो गई अभी। अगर आपको नहीं क्लियर हुई है तो आप वीडियो दोबारा सुन लीजिएगा। टेलीकास्ट पर अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पामिस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं पामिस्ट्री की, यानी कि हस्तरेखा। आपने हमेशा लोगों को देखा होगा, जब भी ज्योतिष की बात आती है सबसे पहले उनके दिमाग में आता है मेरा हाथ देखें, या फिर वो बोलते हैं हाथों की रेखाएं का क्या है, जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी तो रेखा होती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाथों की रेखा आपकी ये नहीं बताती कि फ्यूचर में क्या होने वाला है या आप पीछे क्या करके आए हैं, बिल्कुल नहीं। हाथों की रेखा तो आपको ये बताती है कि कौन सा आपका जो प्लैनेट है यानी कि ग्रह है वो आपने कितना शुभ कर लिया या फिर उसको कितना नीचे कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कुंडली में जो शनि है उनको बुरा लेके आए थे और इस जन्म में आपने इतने अच्छे कर्म कर लिए, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया, किसी ने भी बोल दिया कि ये कर्म करें इससे आपका अच्छा होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शनि कितने अच्छे हो गए? वो आपके हाथ से पता चलता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि हाथों की जो लकीरें हैं वो सच बोलती हैं, क्योंकि उसमें आप नहीं, ये किसी को भी नहीं झूठ बोल सकते कि अब मैं पिछले जन्म से ये ग्रह अच्छा लेके आया था, कि शनि मेरा बहुत अच्छा है तो मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ। अगर आपने इस टाइम पे डिसऑनेस्टी ऑप्ट कर ली है तो आपका हाथ सब कुछ बता देता है। सो इसलिए जो हस्तरेखा होती है ये आपका प्रेजेंट सिचुएशन बताती है। अगर आपको कोई दिल की बीमारी हो गई है, कोई दिमाग की बीमारी हो गई है इस टाइम पे, तो वो आपका हाथ जो है वो सामने बताने लगता है, क्योंकि उसकी रेखाएं बदलती रहती हैं। ये सच्चाई है, जो आप रेखा लेके आते हैं वो वैसी ही नहीं चलती, ये बदलती रहती है। अगर आप 5 साल बाद किसी को हाथ दिखाएंगे तो वो बदलने लगेंगी। सो आई होप मेक इट क्लियर। इसमें कोई भी अब आपने वहम नहीं डालना। पामिस्ट्री अलग है, एस्ट्रोलॉजी अलग है, न्यूमरोलॉजी अलग है। हस्तरेखा के बाद आता है फेस रीडिंग, जिसमें लोग हमेशा पुराने समय में, पुरातन काल में बोला करते थे कि उन्होंने मेरा चेहरा देख के ही मुझे बता दिया था ये काम होने वाला है, तो सामने वाला चमत्कारी है। एक्चुअली होता क्या था, वो लोग भी बहुत ज्ञान अर्जित करते थे। ये ज्ञान है जो आपके चेहरे से पहचान हो जाता है कि आप क्या करने वाले हैं और आपके दिमाग में कैसी चीज़ें चल रही हैं। सो आपकी फेस रीडिंग जो होती है वो किसी दूसरे इंसान के बारे में बताती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंसान में इंटरेस्टेड हैं बिजनेस करने में या उसके साथ शादी करने में, तो सामने वाला आपको कुंडली तो दिखाने से रहा, हाथ भी आपको दिखाने से रहा, तो वहाँ पे काम आती है आपकी फेस रीडिंग, जिसमें आप सामने वाले का चेहरा देख के पहचान लेते हैं कि एक्चुअली उसकी सोच कैसी है, उसका हेल्थ कैसा है, कैसी बुद्धि का मालिक है वो। इसे बोलते हैं फेस रीडिंग। इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं एंड इट्स वेरी डीप। इसी तरह से आपकी बॉडी के जो जितने भी आपके जेस्चर्स हैं, आप कैसे हाव भाव देते हैं, फीचर्स हैं, वो सभी इसी में आते हैं फेस रीडिंग में।
सो जब आप किसी तीसरे व्यक्ति को जानना चाहते हैं तो आप फेस रीडिंग का सहारा ले सकते हैं, इसमें भी कोई वहम नहीं है। अब बात कर लेते हैं टैरो कार्ड्स की। टैरो कार्ड्स एक चाइनीज एस्ट्रोलॉजी है। चाइनीज लोग जो एक्चुअली जेम्स का सहारा लेते थे, जिसको बोलते हैं कि जेम्स, कोई भी जैसे नग है उसकी एनर्जी को यूज़ करना इंट्यूशन को क्रिएट करने के लिए। टैरो कार्ड्स वहाँ पे काम आते हैं जहाँ पे आपके अपने मन को ही समझ में ना आए कि क्या डिसीजन सही है। होता है ना, आप डबल माइंडेड होते हैं, लेकिन आप डबल माइंडेड होते हैं क्योंकि आप अपने मन और दिमाग से कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन आपकी बॉडी ने तो कनेक्ट किया होता है। तो जब आप उन्हीं हाथों से टैरो कार्ड्स को एक एस्ट्रोलॉजर या फिर टैरो कार्ड रीडर के थ्रू चूज करते हैं तो उसमें एनर्जी दो काउंट होती है, एक आपकी, एक टैरो कार्ड रीडर की, जिसने शायद जब तब या अपनी नॉलेज से उनको चार्ज किया होता है। सो इससे आपको अपने आंसर्स मिलने लगते हैं और ये दूसरों के लिए भी आपके आंसर देता है, क्योंकि जब भी आप किसी के इंसान के बारे में सोचते हैं तो आप कहते हैं ना, मैं आपके बारे में सोच ही रही थी और आपका फ़ोन आ गया, मैं ये काम करने के बारे में सोच ही रही थी और उन्होंने कह दिया, तो वो क्या है? वो आपका इंट्यूशन है। टैरो कार्ड्स आपका और दूसरे इंसान का जिसके साथ आपके साथ कनेक्शन है, आपका इंट्यूशन कैच करते हैं, जो आपका दिमाग, आपका मन नहीं कर पाता, क्योंकि आप दुनियावी चीज़ों में खोए होते हैं और उसके हिसाब से हम बिजी होते हैं अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में। सो वहाँ पे आपको काम करते हैं टैरो कार्ड्स, जिन्हें चार्ज किया जाता है बहुत ही प्योरिटी के साथ। इसके बाद आते हैं जेम्स, यानी कि नग नगीने। अर्थ, धरती जो भी बनी है, ये बहुत सारे एलिमेंट से बनी है। इसमें हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ना बहुत सारे पदार्थों के बारे में। आपको बताया जाता था कि ये इस मेडिसिन में यूज़ होता है क्योंकि ये आपके ब्रेन के लिए मेडिसिन है। मेडिसिन में पढ़ते हैं ना कण इन लोगों के। सो उसी तरह से जेम्स भी हैं, जेम्स से ही तो आगे चल के बनती हैं। तो ये चीज़ें आपको हीलिंग देती हैं, आपको ठीक करती हैं और कई चीज़ें बिगाड़ भी देती हैं। इसलिए आपको जेम बहुत सोच समझ के पहनना है, क्योंकि ये नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं चार्जिंग के, और इनकी अलग अलग शेप्स अलग अलग चीज़ें डिनोट करती हैं। अगर आपने जेम को गोल शेप में पहना है तो वो एक्चुअली आपकी बॉडी में आप सारे रेज लाके आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा है। इसीलिए तो हर नग जो आपको पहनाया जाता है एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, वो आपको गोल पहनाया जाता है। इसी तरह से बहुत सारे शेप्स होते हैं जिनका अलग अलग महत्व है, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि रेज जैसे आती हैं तो वो शेप के अनुसार ही बाहर निकलती हैं, पढ़ा है ना। तो इसी तरह हूबहू जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक तरह की साइंस है, एक तरह की नहीं, वो है ही साइंस, जो केमिस्ट्री से डील करती है। तो आप इसमें कोई भी वहम वहम ना पालें और इसको तंत्र विद्या से बिल्कुल भी रिलेट ना करें। ये एक साइंस है जो आपकी ज़िंदगी को संवारने में आपका हेल्प करती है। आई होप आई मेक इट क्लियर। अभी आप अपना दिन एंजॉय करें और दूसरा शो भी देखना ना भूलें, जिसका नाम है एस्ट्रोवीज़ा। अगर आपको कंसल्टेशन लेना है तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपना कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिसमें आपको स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। सो आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं पंजाब प्लस के द्वारा दिए गए इस नंबर पे जो कि नीचे फ्लैश हो रहा है। और आपको सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है TRV डिजिटल में, जिसकी प्ले लिस्ट में जाके आपको सारे वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएंगे। सो आई होप कि आज का शो आपको बहुत पसंद आया। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।